जिस संसद की चौखट पर माथा रखते हुए पीएम मोदी ने उसे मंदिर बताया था, उसमें बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने धर्म के आधार पर ऐसे कमेंट किए कि लोकतंत्र का वो मंदिर शर्मसार हो गया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने रमेश विधूड़ी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। रमेश विधूड़ी को चेतावनी देकर छोड़ा गया तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर सवाल उठाया कि कितने सांसदों को संसद में जनहित के मुद्दे उठाने पर सस्पेंड कर दिया गया और रमेश विधूड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने रमेश विधूड़ी पर कोई कार्रवाई न होने पर कहा, अगर रमेश विधूड़ी ने जो बोला वो संसद में बोला जा सकता है और ये सब बोलने की सजा सिर्फ चेतावनी है तो फिर ये सब बार बार बोला जाएगा, ये लोकतंत्र और संविधान के लिए कितनी खतरनाक बात होगी। आखिर इसी संविधान और लोकतंत्र से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वरना कहीं चाय या तेल बेच रहे होते और स्टीफंस तथा कैम्ब्रिज वालों का राज चलता रहता। नरेंद्र मोदी को संसद के मान की रक्षा करनी चाहिए। एक पवित्र स्थान पर जघन्य अपराध हुआ है, अरेस्ट रमेश विधूड़ी। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली, जिनके खिलाफ रमेश विधूड़ी ने ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हुए एक्शन लेने की मांग की। दानिश अली ने पीएम मोदी और आरएसएस पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मूल्य जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। आप रमेश विधूड़ी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।